हेलो दोस्तों, मैं हूँ रणवीर और आप देख रहे हैं रेल नॉलेज। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन की जानकारी है वह है उदयपुर सिटी से पाटलिपुत्र के बीच चलने वाली हम सफर एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों, इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है प्रतीक शर्मा ने। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की हमारी ट्रेन जानकारी के बारे में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन की जानकारी रहेगी वो है 19669 उदयपुर सिटी पाटलिपुत्र हम सफ़र एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों, यह साप्ताहिक हम सफ़र श्रेणी की ट्रेन है और इस ट्रेन का संचालन उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन करता है। और दोस्तों, यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार को उदयपुर सिटी से चलकर चंदेरिया, कोटा, भरतपुर, मथुरा, कानपुर सेंट्रल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते अगले दिन पाटलिपुत्र जंक्शन पहुंचती है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की, तो यह ट्रेन उदयपुर सिटी से पाटलिपुत्र की कुल दूरी 1565 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 31 घंटे और 15 मिनट में तय करती है। और दोस्तों, इस ट्रेन का 20 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। और दोस्तों, इस ट्रेन की अधिकतम परमिसेबल स्पीड रहती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन को लेकर जाने वाले लोकोमोटिव की, तो इस ट्रेन को उदयपुर सिटी से पाटलिपुत्र जंक्शन तक भगत की कोठी लोको सेट का WDP4-4D इनमें से कोई एक डीजल लोकोमोटिव लेकर जाता है। अब दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन में लगने वाले कोचेज की, तो इस ट्रेन में LHB रेक श्रेणी के हम सफ़र लिवरी के कुल 20 कोच रहते हैं, जिनमें थर्ड AC के 16 कोच, एक कोच पेंट्री कार और एक कोच स्लीपर क्लास और दो कोच पावर कार के रहते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन के किराए की, तो इस ट्रेन का उदयपुर सिटी से पाटलिपुत्र जंक्शन तक का थर्ड AC का किराया 1955 रुपये के करीब रहता है, तो वहीं स्लीपर क्लास का किराया 735 रुपये के आसपास रहता है। दोस्तों, यह अपडेटेड किराया नहीं है और रेलवे इस किराए में समय समय पर बदलाव करता रहता है, इसलिए अपडेटेड किराए की ज़्यादा जानकारी के लिए आप रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहता है और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहता है। दोस्तों, ट्रेन नंबर 19669 उदयपुर सिटी पाटलिपुत्र हम सफ़र एक्सप्रेस ट्रेन प्रत्येक बुधवार को उदयपुर सिटी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से दोपहर में 12:45 पर रवाना होती है। दोस्तों, यहाँ से रवाना होकर यह ट्रेन पहुँचती है अपने पहले ठहराव मावली जंक्शन दोपहर में 1:19 में, और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 1:21 में यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, चंदेरिया यह ट्रेन पहुँचती है दोपहर में 2:55 पर, और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 3 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, बूंदी यह ट्रेन पहुँचती है शाम में 4:43 पर, और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 4:45 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुँचती है अपने अगले ठहराव कोटा जंक्शन शाम में 6 बजे, और करीबन 20 मिनट ठहरने के बाद 6:20 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, कोटा जंक्शन पर इस ट्रेन का लोकोमोटिव ब्रेक रिवर्सल होता है और ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है सवाई माधोपुर जंक्शन शाम में 7:25 पर यहाँ पहुँचती है, और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 7:27 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है भरतपुर जंक्शन, रात में 9:45 पर यहाँ पहुँचती है, और 5 मिनट ठहराव लेने के बाद 9:50 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है अछनेरा जंक्शन, रात में 10:40 पर यहाँ पहुँचती है, और 10 मिनट ठहराव लेने के बाद 10:50 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, अचनेरा जंक्शन पर इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्सल होता है, ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है।
इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने अगले ठहराव मथुरा जंक्शन रात में 12:05 पे, और 5 मिनट ठहरने के बाद 12:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों हाथरस सिटी यह ट्रेन पहुंचती है 12:58 पे, और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 1 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों कासगंज जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है 1:55 पे, और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद रात में 2:05 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है फरुखाबाद जंक्शन, सुबह में 3:35 पे यहाँ पहुँचती है, और 5 मिनट ठहराव लेने के बाद 3:40 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों कन्नौज यह ट्रेन पहुँचती है 4:55 पे, और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 4:57 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है अपने अगले ठहराव कानपुर सेंट्रल, सुबह में 7:10 पे, और 5 मिनट ठहराव लेने के बाद 7:15 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों कानपुर सेंट्रल तक यह ट्रेन 984 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है लखनऊ चारबाग, सुबह में 9:10 पे यहाँ पहुँचती है, और 10 मिनट ठहराव लेने के बाद 9:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों सुल्तानपुर जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है दोपहर में 12:15 पे, और 5 मिनट ठहरने के बाद 12:20 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है वाराणसी जंक्शन, दोपहर में 3:35 पे यहां पहुंचती है, और करीबन 15 मिनट ठहरने के बाद 3:50 पे यहां से रवाना हो जाती है। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है शाम में 4:45 पे, और 10 मिनट ठहराव के बाद 4:55 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है बक्सर, शाम में 5:57 पे यहां पहुंचती है, और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 5:59 पे यहां से रवाना हो जाती है। दोस्तों आरा जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है शाम में 6:37 पे, और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 6:39 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने सेकंड लास्ट स्टॉपेज दानापुर जंक्शन, शाम में 7:23 पे, और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 7:25 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने लास्ट स्टॉपेज पाटलिपुत्र जंक्शन, रात में 8 बजे, और यहां तक 1,565 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। तो दोस्तों यह थी 19669 उदयपुर सिटी पाटलिपुत्र हम सफ़र एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।